हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एब्सेंट के रिगार्डिंग, फेल के रिगार्डिंग, ER के रिगार्डिंग या फिर सेकंड फेज जो हुआ था आपका उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग डाउट क्रिएट हो रहे हैं। सो मैंने इस वीडियो में आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया है। बिल्कुल घबराइए मत, आप लोगों को हर चीज़ का सॉल्यूशन इसमें बताया गया है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो जी, चाहे आप सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर आप थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपकी किसी भी पेपर में AB एब्सेंट शो हो रहा है तो आप लोगों को करना क्या है? आप बोलोगे कि मैम हमने पेपर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी हमें एब्सेंट दिखा रहा है, तो अब हम क्या करें? देखो, आपने पेपर दिया होगा तो आप किसी ना किसी सेंटर तो गए होंगे, ठीक है, रामजस कॉलेज, खालसा कॉलेज, माता सुंदरी, जाकिर हुसैन, रामजस, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, तो किसी भी कॉलेज में आप गए होंगे सॉरी सो वहाँ पर आपको जाना है। पहले आप सोल डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँचना है, उनसे बोलना है कि भाई मेरे जो पेपर मैंने दिया था उसकी अटेंडेंस शीट मुझे निकाल कर दे दीजिए प्रूफ के तौर पे। अब वो ये बोलेंगे कि भाई हम ऐसे थोड़ी निकाल के दे देंगे, आप कुछ लिखवा कर लाओ, कुछ करो, कुछ होगा, है ना। तो फिर आपको सोल डिपार्टमेंट जाने की तब भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है और एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है उस सेमेस्टर की जिस सेमेस्टर में बैक है, फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर। जो पेपर ऑफलाइन हुए थे उन्हीं पेपर का मैं आपको बता रही हूँ, ऑनलाइन का नहीं बता रही हूँ। सो उसके साथ आपको एप्लीकेशन लिख कर लगानी है, ऐसे मतलब उसमें ये चीज़ आपको मेंशन करनी है कि मेरे पेपर में एब्सेंट शो कर दिया गया है बट मैंने पेपर किया था लेकिन उसके बावजूद भी। सो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे अटेंडेंस शीट का प्रूफ दे दीजिए ताकि उसको ये फ़ोटोकॉपी में लगा कर अपने रिज़ल्ट को ठीक करवा सकूँ, ठीक है स्टूडेंट। सो अप्रॉक्स उसका जो रिज़ल्ट है टोटल एब्सेंट का 1 मंथ के अंडर में आ जाएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, सो AB वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई। इसके अलावा आप ये बोलो कि मैम हम पहले वहाँ जाएँ, सेंटर जाएँ या सोल जाएँ, बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप डायरेक्ट अपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने सेंटर पर पहुँचिए, कोई फ़ायदा नहीं। आप सोल जाओगे वहाँ पर आपसे बोलेंगे जाओ बेटा पहले प्रूफ लेकर आओ उसके बाद आना, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट का, आप वहाँ जाओ पहले अपना काम करो और उसके बाद वो हो जाएगा। हो भी सकता है कि 1 मंथ ना लगे, हैंड टू हैंड या फिर 1 वीक या फिर कुछ दिनों में ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तक मेरी निगाह में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कुछ दिनों में ही ठीक हो गया है, एब्सेंट जो है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, ठीक है, तो एब्सेंट का आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हमारे F या फिर ER पर। देखो, F होता है फेल और ER होता है एसेंशियल रिपीट। फेल जिनको दिया गया है उन बच्चों के नंबर्स के आगे 0 लिखा हुआ है, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ऐसा भी नहीं पेपर गया हमारा कि हमें बिल्कुल ही 0 मिले हों। तो देखो बेटा, इस सिचुएशन में आप रिवॉल्यूशन या फिर रीचेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो फॉर्म फिल कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या फ़ीस है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। सो आप वहाँ से जाके उसको देख लो, अगर आपको फ़िल करना है तो आप फिल भी कर दो, ठीक है। अब बात आती है हमारे ER की। तो बेटा देखो, ER आप ये बोलते हो कि मैम हमने पेपर दिया था लेकिन फिर भी हमें ER दे दी गई। देखो, पेपर देने के बाद ही ER आती है बच्चा। आप लोग अगर आप कोई सही से आंसर नहीं लिखते थे, कुछ नहीं था स्कूल टाइम पे, तो आपको कंपार्टमेंट दी जाती थी ना, तो ER एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट ही होती है कॉलेज की, ठीक है। सो आप लोगों को ER दी गई है। अब यहाँ पर भी आपकी चॉइस है कि आप रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म फिल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ER का जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का होगा सिक्स्थ सेमेस्टर में, और सिक्स सेमेस्टर में जिनकी बैक आई है उनका पेपर होगा नेक्स्ट ईयर जून में या मई में, ठीक है। सो आप लोगों को मैं अगेन बता देती हूँ कि अगर आप सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का पेपर सिक्स सेमेस्टर में होगा, ये जो आने वाला सिक्स सेमेस्टर है उसमें, वही सेम मई जून पड़ गया आपका भी। और अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में बैक है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका पेपर भी मई जून में ही होगा। फेब में या जैन में फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, जब भी होगा आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, घबराने वाली बात कोई भी नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पर ER और फेल का डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग, अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम आप बताइए आपको क्या लगता है रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग का क्या फाइनल रिजल्ट रहेगा। बेटा देखो, ये आपको अपने आंसर पे भरोसा होना चाहिए कि मैं अपना आंसर इस तरीके से लिख कर आया हूँ या लिख कर आई हूँ कि अगर मैं उसको रीचेक करवाऊँ तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे और मैं पास हो जाऊँगी यह हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप करवाना चाहो तो करवा लो, अदरवाइज़ पेपर देने का ऑप्शन आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री कैंसिल हो गई या कुछ और हो गया है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। तीसरी चीज़, ये बच्चे पूछते हैं कि मैम जो हमारा ERI है उस रिज़ल्ट पे कोई असर पड़ेगा, आगे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता, उस सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे जाते हैं, ER नहीं लिखी जाती है। ना ये लिखा जाता है कि प्रीवियस सेमेस्टर में ही बच्चा इसमें फेल था, सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क्स लिखे जाते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, सो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट की। देखो जी, सेकंड फेज़ में जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, ये मैंने सोल के कुछ टीचर्स से कंफर्म करा है, उन्होंने मुझे बताया है कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आ तो गया है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का शो नहीं हो रहा है। सो उन्होंने बोला है कि उसमें आपका जो रिज़ल्ट है ना वो अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो अपडेट हो जाएगा। सो उसके लिए आप लोगों को सोल डिपार्टमेंट फ़िलहाल तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड फेज़ वाले स्टूडेंट्स को। सो अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है जाने की या कोई बात है तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी। बाकी अगर आप लोगों को अगेन मैं बता दूँ, सेकेंड फ़ेज़ का रिज़ल्ट चाहे आपका किसी भी कोर्स का हो और आपको दिखे कि अभी तक नहीं आया या जो भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा और टाइम वेट कीजिए, ठीक है, सोल डिपार्टमेंट अभी विजिट मत कीजिए। बाकी अगर आपका दिल है करने का तो आप जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, बट उन्होंने यही बोला है कि अभी तक कुछ बच्चों का सेकंड फेज का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। सो जब होगा तो वी विल इन्फॉर्म यू। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आप लोगों के डाउट्स अब नहीं रहे हों। इन केस AB के रिगार्डिंग, F के रिगार्डिंग, ER के रिगार्डिंग या फिर आपका कुछ और आपके रिजल्ट में शो हो रहा है उसके रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।